हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, आप अपने घर पे अगर आपके पास बुक हो तो बुक ले लें। इसका ये चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझने जा रहे हैं। और इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये पेज नंबर 198 है, तो पेज नंबर 199 के अकॉर्डिंग आप अपने घर पे या इस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। एक्चुअली में सिंपली आप करंट बोल देते हैं। जो करंट का मीनिंग होता है, ये फ्लो होता है, और फ्लो वाटर का भी हो सकता है, एयर का भी हो सकता है। तो एयर करंट, वाटर करंट और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्ज का फ्लो। तो इसके नाम से ही, अगर पूरे नाम पे आप ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि आपको ये डिसाइड करना है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से। क्यू है यहाँ पे चार्ज, स्मॉल टी है यहाँ पे टाइम, और आई यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका फॉर्मूला आपका जो बना वो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी बना। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब हमें थोड़ा सा यहां पे चार्ज के बारे में भी समझना पड़ेगा, चार्ज के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आपके सिलेबस के हिसाब से फिलहाल चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज के बारे में आप जो है 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी हमें नॉलेज चार्ज के बारे में यहाँ पे लेनी पड़ेगी। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, मैं ये कहना चाहता हूं कि नेचर में कुछ पार्टिकल्स या कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इस तरह के हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस तरीके के हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। जैसे कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज इक्वल होता है, लेकिन इनका मास इक्वल नहीं होता है। मास प्रोटॉन का काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आपको ये जानना है कि नेचर में जो स्मॉलेस्ट चार्ज में मिल सकता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है नेगेटिव तो ये होता ही है, 1.6 × 10⁻¹⁹, और कैपिटल सी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कूलाम को। तो आपसे 10th लेवल पे ये पूछा जा सकता है राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम, एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय सिंबल कैपिटल सी। तो यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। यही कह सकते हैं हम कि 1 कूलम चार्ज में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसको यहां पर नोट कर ले। तो आपने भी सीखा कि जो करंट है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी या फिर चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट एंड डिफाइन इट। तो यहां पे मैं टॉपिक बना रहा हूं SI यूनिट ऑफ, एक्चुअली में पूरा नाम इलेक्ट्रिक करंट है, सिंपली हम करंट बोल देते हैं। तो यहां पूरा लिख के चल रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि यहां क्वेश्चन बना लेते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन वन एम्पियर या ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन वन सेकेंड इन वन सेकेंड देन वी कैन से दैट वन एम्पियर ऑफ करंट, वन एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, देन वी कैन से दैट वन एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग से दैट वन एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। तो आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है, डेफिनेशन समझ ली है वन एम्पियर की। और अगर हम इसको वैसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। यहां पे चार्ज की वैल्यू हुई वन कूलम्ब और टाइम की जो SI यूनिट होती है ये होती है सेकंड। तो वन एम्पियर, वन एम्पियर इक्वल टू वन कूलम्ब अपॉन वन सेकंड, या एम्पियर पर सेकंड भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सर्किट तो इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज क्लोज्ड पाथ ऑफ सम इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस
like battery, wire, resistor, emitter, resistor, emitter, or key, या फिर आप इसको स्विच बोल देते हैं, की स्विच एक्सेट्रा, इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। यहां पे मैंने जो बैटरी लिखा है या सेल भी आप कहते हैं, जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, ये इस तरह की जो आप रिमोट वगैरह में डालते हैं, या आपको और भी टाइप की बैटरी सेल छोटे बड़े साइज की भी मिलती है। तो इस चीज को हम सर्किट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक तरफ ये बड़ी लाइन बनाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और एक तरफ छोटी लाइन यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो बैक साइड होती है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम बार बार सर्किट में इस तरह की सेल ना बना के इस पॉजिटिव को एक बड़ी लाइन और इस नेगेटिव को छोटी लाइन बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा और सर्किट क्लोज होना चाहिए, कहीं पे वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे नेगेटिव पे आके ये एंड हो जाएगा, या मतलब कि एंड नहीं हो जाएगा, कंटिन्यूस ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे सपोज मैं एक इस तरीके से बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बल्ब का सिंबल बनाया है, और ये कनेक्शन जो करते हैं, ये जो ऐसे लाइन में खींच रहा हूं, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि आपके घरों में जो जब वायरिंग होती है, जब नया मकान बनाते हैं आप, तो वायरिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वायर बिछते हैं, तो इन वाले वायर्स को हम यहाँ पे ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके माइंड में बैठ जाती है बात कि ये ऐसे सीधी लाइन में ही होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तो वायर है, कैसा भी हो सकता है। ये प्रॉपर बिल्कुल सीधी लाइन है तब होती है जब बिल्कुल आप एक क्या तो फिटिंग के पाइप में आप इसको चलाएं, या आपके पास कोई पर्टिकुलर बोर्ड हो, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में बोर्ड देखे हैं, उसमें आपने ग्रीन बोर्ड पे लाइन सी देखी होंगी, तो वे कंडक्टिंग वायर्स की लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे ये आपका बल्ब हुआ सर्किट में। तो अगर मैं इस बल्ब को चलाना चाहता हूं, तो कम से कम मुझे रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक सेल की रिक्वायरमेंट होगी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, इसके यहाँ इस पॉजिटिव टर्मिनल से सपोज मैं करंट को लेकर चला वायर को, और इसमें बल्ब में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, ये आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये पीछे आपके होल्डर में जो पॉइंट्स होते हैं, पिन होते हैं, उन पे जाके एक इस पे कनेक्ट हो जाता है और दूसरा इस पे कनेक्ट हो जाता है, और इसके अंदर जो फिलामेंट होता है, ये हमारा थोड़ा ऐसा बल्ब है, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, कलर वाला है, मौका मिलेगा हम ट्रांसपेरेंट वाला देख लेंगे, आपने देखा ही होगा फिलामेंट वायर वाला जो होता है। तो उसमें देखिए, इस बिल्कुल सिंपल सर्किट है, इसमें आप एक इस तरीके से जिसको आप स्विच बोलते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, इसको हम की बोल देते हैं, आप उसको स्विच बोलते हैं, फिजिक्स लैब में की अवेलेबल होती है, आप देख लेना, और आपकी बुक में हो सकता है एनसीईआरटी में उन्होंने यहाँ पे एमीटर बना दिया हो, तो ये तो चॉइस है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। मिनिमम आपको एक बैटरी और एक बल्ब तो जरूर चाहिए, सर्किट क्लोज हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, और ये सर्किट का डायग्राम है, जिसमें मैंने आपको बताया कि रियल में चीजें इस तरीके की हैं, और आपको
जो है सर्किट में किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम यहां पे आपकी एनसीईआरटी की बुक का सोल्ड एग्जांपल 12.1 कर लेते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए यहां पे हम आपकी बुक का एग्जांपल 12.1 समझ लेते हैं, सोल्ड एग्जांपल है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। बल्ब के अंदर का जो वो स्प्रिंग की तरह का आपको वायर देता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें 10 मिनट्स के लिए 0.5 एम्पीयर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। आपको फाइंड करना है, देखिए जो आपको गिवन है, सबसे पहले आप उन वैल्यूज को यहां पर लिख लें। आपको गिवन है, पहले आपको गिवन है करंट, आई की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 एम्पियर। दूसरा आपको, इसके बाद आपको गिवन है 10 मिनट्स, एक तो आपको करंट गिवन है और दूसरा आपको टाइम, टाइम को आप यहां पे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लें। टाइम आपको गिवन है 10 मिनट्स, और आप जानते हैं कि मिनट जो है वो टाइम की ऐसा यूनिट नहीं होती है, और हमें 9th क्लास से आपको ये बात समझाते आ रहे हैं कि जो कैलकुलेशन करनी होती है वो ऐसा यूनिट में करनी होती है। आप जानते हैं एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें 10 into 60, ऐसा करने पर यह बन जाएगा सेकेंड्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी 600 seconds। इतने सेकंड के लिए इतना करंट यहां पे क्या हो रहा है, सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड करना है। यहां पे आपका पार्ट है फाइंड वाला, फाइंड में आपको करना है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। और चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, तो जिसको फाइंड करना है उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क कर दें, दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। तो देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन सीखी है, और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने ये जाना है कि करंट में चार्ज में और टाइम में जो रिलेशन है या फॉर्मूला कह सकते हैं करंट का, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। और यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। आप कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हैं, ये इक्वल टू का साइन है, बीच में इक्वल टू रहने दें, क्यू अपनी जगह है वहीं पर रहने दें। अब ये टी डिनोमिनेटर में है, आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रियल में ये इस तरीके की कैलकुलेशन है, वो फिर आपकी चॉइस है कि आप क्यू को इधर लिख लें, यानी कि क्यू इक्वल टू आई इंटू टी कर लें। अब यहां पे करंट की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 एम्पीयर, और इंटू में टाइम है, और टाइम की एसएल यूनिट के हिसाब से हमने कन्वर्ट करके 600 सेकंड कर लिया है। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का मतलब 1/2 भी होता है, और ये इंटू 600, और एम्पियर इंटू सेकंड, डेफिनेशन से एम्पियर इंटू सेकंड जो है वो कूलम बन जाएगा। तो क्यू इक्वल टू 600 का हाफ, यानी कि 300 कूलम का यहाँ पे चार्ज इस सर्किट में फ्लो हुआ है 10 मिनट्स में। आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हम आपके एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल वन के बाद ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें से थर्ड लास्ट वाला क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। पहले दो क्वेश्चन तो हमने थ्योरी में डेफिनेशन में पढ़े लिए हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे इसके आप सॉल्यूशन को देखें, तो देखिए आपको तो ये समझाया गया है, मैंने आपको ये समझाया है कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आप यहां लिखिए वी नो दैट चार्ज ऑफ 1
इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। देखिए यहाँ पे जो 10 की पावर है वो माइनस 19 है, इससे बात समझ में आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो एक कूलम्ब से बहुत ही कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम्ब चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, यानी कि आपका सिंपल यूनिटरी मेथड है जिसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमें एन फाइंड करना है। तो यहां पे जैसे कि आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है और एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, जाहिर सी बात है कि एक कूलम्ब चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफी ज्यादा होंगे। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हम इसको स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर मैं सिंबल के लिए कहूं तो एन इंटू ई, या ये कह सकते हैं कि चार्ज इक्वल टू होता है, जब भी चार्ज आएगा वो, क्योंकि सबसे कम चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एन की जगह वन आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा तो एन की जगह टू आ जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा तो एन की जगह थ्री आ जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन है तो एन की जगह एन है। इसको हम हालांकि 12th क्लास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं, अभी फिलहाल आपको उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। आप तो सिंपली ये समझिए कि हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है और हमें ये पता करना है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कूलम्ब के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे क्यू की वैल्यू वन कूलम्ब है और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब है। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप सिर्फ एक नंबर निकाल रहे हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो n इक्वल टू 10 की पावर माइनस 19 जब ऊपर जाएगी तो 10 पावर ये प्लस 19 हो जाएगा और नीचे 1.6। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 18 अपॉन 1.6। अब आप 10 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 6.25 आएगी, मुझे तो याद है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं वरना एग्जाम में सोल्व भी कर सकते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम्ब चार्ज में।